कैसे हो दोस्तों, मैं परमिंदर जीत सिंह ईगल ईगल मेडिटेशन क्लब का आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो विषय है वो है कुंडली क्या होती है, कुंडली ना क्या होती है और ये कैसे काम करती है और कैसे एक्टिव होती है, इसकी शक्तियां क्या है, ये कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकती है। दोस्तों बहुत से लोगों का प्रश्न होता है हमें अपनी कुंडली एक्टिव करनी है, हमें कुंडली ना एक्टिव करनी है, ये कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें मेडिटेशन से ही संभव है। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, अपने थॉट्स को नहीं रोकोगे, तब तक आपका कोई भी एनर्जी, कोई भी शक्ति आपकी एक्टिव नहीं हो सकेगी। मेडिटेशन के थ्रू आपने अपनी सांसों को कंट्रोल करके अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होता है, अपने सांसों के ऊपर फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ अपने सांसों को अपनी नाभि के ऊपर लेकर जाना है और नाक के द्वारा छोड़ना है। इस क्रिया को बार बार दोहराना है। इसके साथ आप किसी गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिससे आप जैसे से आप गहन मेडिटेशन में चले जाओगे, आपके सांस छोटी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सांस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपकी धड़कन चलेगी और आपकी अंदर की सभी दुनिया आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। और जो अलग अलग क्रियाएं होती है, जैसे ही आप मेडिटेशन पहले दिन से शुरू करोगे तब से लेके आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति एक्टिव होने तक आप अपने आप को बेहतर महसूस करोगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, कुंडली एक्टिव करना इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें YouTube पर बताया जाता है, यूट्यूबर के द्वारा बताया जाता है। कुंडली एक्टिव करने के लिए गहन मेडिटेशन के अभ्यास की जरूरत है, हमें गुरु मंत्र की जरूरत है, हमें अच्छे गुरु की जरूरत है जो खुद इस घर तक पहुंचा हो। इसे दसम द्वार बोलते हैं, कुंडली एक्टिव करने को दसम द्वार बोलते हैं, दसम द्वार के अंदर पहुंचना बोलते हैं, भगवान के घर पहुंचना बोलते हैं। तो दोस्तों नाभ घाट नाभि के ऊपर जब हमारे सांसों की चोट पड़ती है तो यहाँ से एनर्जी एक्टिव होती है, अगन पैदा होती है जो हमारी सुपना नाड़ी के ऊपर थर्ड आई के ऊपर ज्योतिर्बिंदु के ऊपर दबाव डालती है, जिससे हमारी थर्ड आई ओपन होती है। ऐसे ऐसे एक एक कर हमारे चक्कर एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जब हमारे सातों चक्कर एक्टिव हो जाते हैं तो हमारी कुंडली में एक सर्कल बनना शुरू हो जाता है जो क्रोन के ऊपर जाकर खुलता है। ऐसे जैसे 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 आप पॉजिटिव होते जाएंगे, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करोगे, वैसे वैसे आपके चक्कर भी एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। आपको इसके लिए बहुत सी चीज़ों से परहेज भी करना होगा, आपको मांसाहार बंद करना होगा, नेगेटिव दोस्त छोड़ने होंगे, नेगेटिव म्यूजिक छोड़ना होगा और अपने आप को पवित्र रखना, पवित्र मीन्स आपको सुबह जल्दी अमृत वेले उठना होगा, जिसे सुबह सुबह कहते हैं अमृत वेला, अमृत वेले में उठना होगा और आपको हर दिन मेडिटेशन करना होगा, प्रार्थना करनी होगी। जैसे जैसे आप प्रार्थना में उतरते जाओगे, मेडिटेशन में उतरते जाओगे, आपको विश्वास करना होगा अपनी शक्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर। कहीं जाकर आप के ऊपर जब दया मेहर होगी परमात्मा की, भगवान की, फिर जाकर कहीं आपकी कुंडली एक्टिव होगी। और उसके लिए आपको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, कोई और जरिया नहीं है कुंडली एक्टिव करने का। मेडिटेशन के थ्रू ही आप अपनी कुंडली को एक्टिव कर सकोगे, अपनी सांसों को कंट्रोल कर, अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर आप कुंडली को एक्टिव कर सकते हैं। कोई और आसान तरीका नहीं है। अगर आपको कोई बोले किसी एक विशेष मंत्र के द्वारा आप कुंडली को एक्टिव कर सकते हैं, अगर आपको कोई बोले कि आप विशेष आसन के द्वारा अपनी कुंडली को एक्टिव कर सकते हो, ये सब झूठ है। धर्म ग्रंथों को पढ़ो और जानो, उनके द्वारा जो विधियां बताई गई हैं उन विधियों से आप अपनी कुंडली को एक्टिव कर सकते हैं। कोई विशेष मंत्र नहीं है कुंडली एक्टिव करने के लिए, कोई विशेष आसन नहीं है कुंडली एक्टिव करने के लिए, कोई योग साधना नहीं है कुंडली एक्टिव करने के लिए। हमें मेडिटेशन से ही शुरुआत करनी होगी, अपनी सांसों से ही शुरुआत करनी होगी, अपने थॉट्स से ही शुरुआत करनी होगी, अपने आप पर खुद पर यकीन करना होगा, भगवान पर यकीन करना होगा, फिर जाकर आप इस मंजिल को पाओगे। दुनिया का सबसे आसान काम भी मेडिटेशन है और दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम भी मेडिटेशन है। हम सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों, साथ
गप्पे मार सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, नाच गा सकते हैं, खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, मगर हम मेडिटेशन नहीं करते कर सकते क्योंकि हमारा जो मन है वो विकारों से, विषयों विकारों से भरा हुआ है। हमें जिस चीज में ज्यादा रस आता है, दुनियावी रस आता है, हम वो काम करना अच्छा समझते हैं, मगर मेडिटेशन का जो रस है, मेडिटेशन का जो टेस्ट है, मेडिटेशन का जो प्यार है, वो जो उसकी शक्ति है, जब आपको वो अनुभव होना शुरू हो जाएगी तब आप दुनिया के हर एक रस को, हर स्वाद को भूल जाओगे और आपको मेडिटेशन के अलावा और कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी करने को मन नहीं करेगा। आप जो भी चाहोगे मेडिटेशन के थ्रू आप वो हर एक चीज को अचीव कर पाओगे, हर एक चीज को ढूंढ सकोगे, हर एक चीज को प्राप्त कर सकोगे। आपको अगर कुंडली एक्टिव करनी है तो आपको मेडिटेशन का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं मेडिटेशन के सिवा, अगर आपको अपनी कुंडली एक्टिव करनी है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेडिटेशन करें और लगातार अभ्यास करें ताकि आप अपनी कुंडली को एक्टिव कर सके। थैंक यू।